यहाँ पे ना उस दिन थोड़ी सी हनुमान टोरिया के नीचे की क्लिप रह गई थी, मैंने कहा यहाँ की शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हरा हरा बहुत अच्छा लग रहा था ना, और नीचे साइड को जो है यहीं से पहले हम लोग नीचे साइड को आया करते थे। मैं तो खैर नहीं गई हूँ, लेकिन पापा लोग जब जाते थे तो यहीं जीना से जाया करते थे, काफ़ी ऊपर जीना है। तो अदिति जो है लेके गई थी फ़ोन नीचे साइड, बोली मैं नीचे से जो है वीडियो बना के ले आती हूँ। तो हरा हरा बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे सावन में इस टाइम जो है बरसात के टाइम पे हरियाली बहुत अच्छी आ जाती है, तो देखने में बहुत शांति मिलती है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, भैया से कुछ बातें कर रही थी, और अदिति जो है ऊपर नीचे चली गई थी दिखाने के लिए कि देखो कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ था, बहुत अच्छा लग रहा। एवरीवन कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मैंने शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, मैंने चार दिन से कोई भी जो है ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाया एक्चुअली में मैंने, तो ब्लॉग शूट करने की तो बात ही नहीं थी, कुछ भी शूट नहीं किया है मैंने, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर मैं सिर्फ आज सब्जी पूड़ी बनाने वाली हूँ अदिति के लिए, बाकी का वो कुछ ज़्यादा खाती नहीं है, और फिर क्या फ़ायदा बना के रखने का। और पिछली बार ये भी कहीं खा के आ गए थे, तो पूरियाँ मैं आटा लगा लूँगी पहले, उसके पहले उनको कॉल करके पूछ लूँगी कि खा के तो नहीं आ जाओगे कहीं पे, वरना वो खाना जो है वेस्ट हो जाता है। और आटा मैं ज़्यादा फ्रिज में रखती नहीं, बहुत ही कम होता है, जैसे कि कभी हो गया तो फिर रख लिया, नहीं तो मैं रखती नहीं हूँ, बहुत ही कम रखती हूँ। मैंने आज थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक लगाई हुई है, ज़्यादा नहीं लगाई, और मैंने बालों में जो है मेहंदी भी डाल ली है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। दिखाऊंगी अभी तो नहीं, कल जो ब्लॉग शूट करूँगी उसमें दिखाऊँगी दिन में, क्योंकि रात में जो है इतना साफ नहीं दिखाई देगा क्लियर, अभी बाल सूखे भी नहीं है अच्छी तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक नहीं सोचे सूखे हैं, क्योंकि आज बारिश हो रही है ना दिन भर से, तो बाल सूखे नहीं है इसलिए। तो चलो मैं फटाफट से जो है सब्जी बना लेती हूँ, और रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि रेसिपी कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, और सादा सब्जी है तो उसमें क्या रेसिपी शेयर करना। और चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऐसे तो मैंने सोचा था कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा कि अगर ब्लॉग में कोई रेसिपी नहीं होती है तो अच्छा ही लगता है। यहाँ पे जब मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को चॉपर में चॉप करके रख लिया था, तो घी में जो है इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, और जब हो जाएगा तो आलू डाल दूँगी। आलू जब मैंने मॉर्निंग में अदिति के लिए आलू का हलवा बनाया था ना, उसी टाइम जो है फिर वो करके रख लिया था, और मेरी आदत है थोड़ा भी गिर जाता है तो मैं फिर से जो है साफ़ कर लेती हूँ, पोछा का मतलब गैस साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पर अदिति की प्लेट लगा के दे दी है, तो वो खा लेगी, आप लोग भी आ जाइए। और आप लोगों को पता है उसको जो ना फीवर आ गया बहुत ज़्यादा, तो आज देखते हैं उसकी नज़र उतारेंगे, पता नहीं किसी की नज़र लग गई क्या हो गया, तो फीवर आ गया है अदिति को, आज पूरा दिन हो गया कुछ नहीं खाया उसने। मैंने उसका आलू का हलवा बनाया था तो वो भी नहीं खाया उसने, बनाना एप्पल कुछ भी नहीं खाया, मतलब पूरे दिन ऐसे ही लेती रही। तो अभी मैंने फिर खाना बना के दिया कि खा लो कुछ, अभी आ जाएंगे तो फिर देखते हैं दवाई करवा लेंगे, नज़र तो उतार ही दूँगी, मुझे लगता है नज़र लग गई किसी की, तो बहुत ही ज़्यादा आज ही एक ही दिन में ना बहुत ही काली काली हो रही है मतलब। और यहाँ पे देखो मेरे बाल दिखाती हूँ मैं, अभी थोड़ी शायद दिखे अच्छे से। तो यहाँ पे ना मैंने कल आज मॉर्निंग में ही मेहंदी डाली हुई थी, फिर हेयर वॉश कर लिए और मेहंदी डाली। तो चलो अदिति खा लेती है, फिर अभी आप लोगों से थोड़ी देर से मिलते हैं। मैंने फ़ोन किया था तो उठाया नहीं है, और भैया के लिए मैं यहाँ पे बुक लेके आ गई हूँ पढ़ाने के लिए, थोड़ी देर उसको हिंदी की रीडिंग कराऊँगी, कल से उसके एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, तो वो जो है एग्ज़ाम होंगे कल से। और मैं एक साड़ी लेके आई हूँ, तब भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि बताना कैसी लगी, रेड कलर की साड़ी है, काफ़ी सुंदर है। और मतलब हम लोग क्या शंकर जी बनने हैं, एक दिन के शंकर जी बनेंगे, तो उस दिन के लिए पहनने के लिए मैं रेड साड़ी लेके आई हूँ, सभी लोग हम तीनों देवरानी जेठानी एक जैसी सेम साड़ी पहनेंगे रेड कलर की, तो लेके आई हूँ इसके लिए, कल ही लेके आई हूँ, तो किसी को कॉल कुछ नहीं हुआ है, ब्लाउज को जो है वैसा है मेरे पास, तो पहन लूँगी, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ बेटा, हाँ जो है
मैं रेड कलर की साड़ी लेके आई हूँ और स्पेशली इनको जो है रेड कलर पसंद नहीं है। बोलते हैं तुम रेड कलर मत पहना करो। रेड कलर पसंद है लेकिन मुझे नहीं पहनने देते। अब क्यों नहीं पहन देते देते पता नहीं मुझे, मैंने कभी पूछा भी नहीं है कि क्यों नहीं पहनने देते हैं। तो मतलब उन्होंने बोला कि मत पहना करो। मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं, बहुत ही कम है रेड कलर की। एक ये लेके आई हूँ, इसलिए फिर मैंने महंगी नहीं ली है, क्योंकि वो कहीं बाहर जाते हैं तो रेड जो है पहनने नहीं देते, बोलते तुम रेड मत पहना करो। और मैंने पूछा भी नहीं है क्यों ना पहना करूँ, क्योंकि वो बोल देते हैं तो फिर मैं एकदम मना नहीं करती हूँ इसलिए। और ये वाली साड़ी लेके आई हूँ तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छी लगी इसकी। मतलब इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, शिफॉन में है, प्योर शिफॉन पतले में है, प्योर शिफॉन में है, अच्छी है। ब्लाउज वगैरह पल्ला वगैरह अच्छा है, तो ब्लाउज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सा है मेरे पास, तो चल जाएगा नहीं चलेगा मैं पहन लूँ इसको या ना पहनूँ। और भैया जो है आ चुके हैं तो इनको मैं अभी पढ़ाने के लिए बैठाने वाली हूँ। वो कह रहे हैं नहीं बैठना, कल से एग्ज़ाम है, तो फिर मैं इनके साथ एग्ज़ाम करवाने के लिए नहीं बैठूँगी। अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ आँख में पता नहीं कुछ चला गया। पढ़ोगी तो पढ़ेंगे, धमकी दे दे के पढ़ाना पड़ता है। तो चलो मैं बैकग्राउंड से आपको जो साड़ी दिखा देती हूँ। और मेरी क्या इनकी आँख में भी कुछ चला गया है और ना अच्छी बात, और सर्दी भी हो गई है इनको। पापा जी मुझे नहीं, पापा तो दीदी लो दीदी दो दीदी। हाँ बेटा खाओ। तो चलो फिर मैं अदिति का सुन लेती हूँ और आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर से। यहाँ पर मैं साड़ी दिखा रही हूँ, अपनी भैया बगल में बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छी लग रही थी ऐसा नहीं है। और भैया मैं वो कर रही थी तो भैया से मैंने बोला थोड़ा सा खिसक जाओ आप, और देखो पहनने पे भी बहुत अच्छी लगी, कलर वलर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है ब्लाउज में एक ग्रीन कलर का ब्लाउज सोच रही हूँ इसके ऊपर पहन लूँ, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसे कैसा लगेगा। यहाँ पे वाला ब्लाउज है जो मैंने अलग से बनवाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, आगे से भी डिज़ाइन है, पीछे से भी। पीछे बटन का ब्लाउज है, पीछे हुक का बनवाया हुआ है मैंने, तो बस मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। और एक ग्रीन साड़ी का ब्लाउज मेरा पहले का है, बहुत टाइम पहले जब मेरे मुझसे छोटे वाले भैया की शादी हुई थी ना, उस टाइम मैंने ये साड़ी ली थी, तो उस टाइम का है, तो मैं सोच रही हूँ या इसको पहनूँगी। साड़ी कैसी लगी बताना जरूर। और मैं सोच रही हूँ ये वाला ब्लाउज चल जाएगा उसको ना, अच्छी भी लग रही, अच्छा भी लग रहा है, और डिजाइन वाला भी बनवाया है। और सोच रही हूँ कभी कंट्रास्ट में पहनना पड़ा तो फिर ये वाला ग्रीन भी पहन सकती हूँ उसमें। तो देखेंगे कौन सा पहनते हैं, जो भी पहनेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उस दिन जाएंगे तो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और प्लीज़ जो है ऐड स्किप मत किया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए और ऐड स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।